हेलो स्टूडेंट्स आई एम अगेन बैक विथ पार्ट टू चैप्टर नंबर फोर द मॉरियन एम्पायर स्टूडेंट्स आई होप ऑल हैव सीन पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर इफ नॉट डू वॉच इट स्टूडेंट्स टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड एवरी थिंग इन पार्ट वन विल स्टार्ट पार्ट टू विथ द मौरियन एम्पायर बेटा मौरियन एम्पायर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्ते मौर्य को क्यों पढ़ेंगे हम सबसे पहले चंद्रगुप्ते मौर्य को क्योंकि ये जो मोरियन एम्पायर है इसके फाउंडर कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य मारे ठीक है मारियन डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे चंद्रगुप्त मारे तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मारे को बेटा जो चंद्रगुप्त मारे थे वो फाउंडर थे मारियन एम्पायर के इनके बचपन के रिगार्ड्स में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है पर कुछ रीजन्स का कहना ये है कि ये पहले नंद डायनेस्टी जब जो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे उसके पहले मगध के ऊपर कौन रूल करता था नंद डायनेस्टी ठीक है तो नंद डायनेस्टी ही कुछ सर्विस प्रोवाइड करते थे और नंद डाइनेस्टी के किस रूलर को धनानंद को ठीक है धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सर्विसेस प्रोवाइड करते थे पर बाद में ये यहाँ से डिसमिस कर दिए जाते हैं ठीक है कुछ रीजन्स का कहना ये है कि ही हैड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ नंद ठीक है मौर्य डायनेस्टी के पहले मगध के ऊपर कौन रूल करती थी नंद डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के किस रूलर ने चंद्रगुप्त मौर्य को डिसमिस किया था धनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले रूल करेंगे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य किससे मिलते हैं कौटिल्य से मिलते हैं है, कहाँ पर मिलते हैं तक्षशिला बेटा आज तक्षशिला कहाँ पर है किस कंट्री में है पाकिस्तान में है पर पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग तो थे ही नहीं तो तक्षशिला कहाँ पर ही था इंडिया में था तो कौटिल्य से मिलते हैं चंद्रगुप्त मारे तक्षशिला में कौटिल्य जो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे किसके नाम से चाणक्य नाम से ठीक है वैसे ओरिजिनली इनका नाम विष्णुगुप्त होता है पर कहीं कहीं आपको कौटिल्य देखने को मिलेगा और कहीं चाणक्य चाणक्य के, के नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ही वॉज द सन ऑफ ब्राह्मण तो ये जो चाणक्य होते हैं कौटिल्य होते हैं ये कौन होते हैं बेटा ब्राह्मण बेटा जैसे चंद्रगुप्त मारे के साथ नंद ने बुरा किया था नंद डायनेस्टी के धनानंद ने बुरा किया था गलत किया था बुरा नहीं किया था गलत किया था मतलब तो उन्होंने डिसमिस कर दिया था ऐसे ही कौटिल्य के साथ भी एक जो तरीका होता है बात करने का किसी लर्न मैन से वो अलग होता है पर धनानंद ने कौटिल्य के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी बैड बिहेवियर किया था कौटिल्य टू वॉज़ रॉन्ग्ड बाय द नंद नंद डायनेस्टी के जो धनानंद थे उन्होंने कौटिल्य के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था बहुत बैड बिहेवियर किया अब हम बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो दुश्मन अकेला कौन गए नंद डायनेस्टी के धनानंद एक दुश्मन है कौटिल्य क्योंकि कौटिल्य के साथ भी नंद ने बुरा किया है धनानंद ने बुरा किया है और किसके साथ भी बुरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्योंकि उन्हें भी डिसमिस कर दिया था तो अब चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मिल जाएंगे किसके अगेंस्ट में धनानंद के अगेंस्ट में और बेटा यहाँ पर ये दोनों हाथ मिला लेंगे किसको खत्म करने के लिए नंद डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए और नंद डायनेस्टी का वो कौन सा रूलर था जिसने गलत बैड बिहेवियर किया था दोनों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी और किसके साथ भी आ, हमारे चाणक्य के साथ भी कौन से रूलर थे बेटा मैं चार बार नाम बता चुकी हूँ फिर से ध्यान से सुनना कौन थे वो रूलर बेटा वो थे धनानंद डी एच ए एन ए धना और फिर नंद ठीक है धनानंद कौन थे लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के तो इन्हें डिस्ट्रॉय किसने किया चंद्रगुप्त मौर्य और एक कॉटन लेने ठीक है अब बेटा कौटिल्य ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्ते मौर्य को ठीक है कैसे लड़ना है राजनीति क्या होती है कूटनीति क्या होती है युद्ध कैसे लड़ना सब कुछ उन्होंने चंद्रगुप्ते को सिखाया और सिखाने के बाद बेटा सीरीज ऑफ बैटल्स हुए एक तो नहीं बहुत सारे युद्ध हुए किस किस के बीच में चंद्रगुप्त और नंद मतलब धनानंद के साथ में और फाइनली धनानंद की होती है हार और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी का एमरजेंस होगा जिसे हम कहेंगे मारियन डायनेस्टी और इसके जो एम्प्रर बनेंगे साम कौन बनेंगे सम्राट बनेंगे वो सम्राट कौन होंगे चंद्रगुप्त मौर्य फिर ध्यान से सुनो जब चंद्रगुप्त पूरी तरह प्रिपेयर हो जा हो जाते हैं जब कौटिल्य को ऐसा लगता नहीं भाई अब तो ये राजा बनने लायक बन गया है तो ये लेके जाते हैं किसको चंद्रगुप्त को प्रॉपर आर्मी वगैरह उसकी बनवाते हैं और अब ये इनकी लड़ाइयाँ होती हैं धनानंद के साथ है ना धनानंद कौन है नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर है ये दोनों लड़ेंगे 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 और फाइनली पाटली पुत्र किसके हाथों में आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ जाएगा <coughs> और यहीं से एमरजेंस होगा एक नई डायनेस्टी का जिसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी और इसके एम्पर इसके सम्राट कौन बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अब यहीं पर बेटा एलेक्जेंडर आएंगे अब एलेक्जेंडर की एंट्री कैसे होगी देखो अलेगजेंडर कौन थे ग्रीक रूलर थे इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को इंडिया के किस पार्ट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जैसे ये रहा हमारा इंडिया तो इंडिया का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसके बहुत बड़े एरिया को कनकर कर लिया था किसने अलेक्जेंडर ने इसको हिंदी में हम सिकंदर भी सुना होगा आपने ठीक है अलेगजेंडर को पूरी दुनिया को जीतना था विश्व विजेता बनना था तो अब इनकी एंट्री होती है और इनकी एंट्री कैसे होती है भाई कि ये आते हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल करने लग जाते हैं बहुत सारे स्टेट्स को जीत लेते हैं अलेक्जेंडर कहाँ से थे ग्रीक और ग्रीक में भी कहाँ पर मैसीडोनिया ठीक है मैसीडोनिया आप इस डेथ जब इनकी अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है तो इनकी जो टेरिटरी होती है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ले लेते हैं ठीक है इतना आसानी से नहीं लेते हैं मतलब छोटे मोटे युद्ध युद्धवुद्ध करके चंद्रगुप्ते मारे इनकी टेरिटरीज़ को ले लेते हैं अलेक्जेंडर जो कि एक ग्रेट रूर, ग्रीक रूलर थे ठीक है ग्रीक में कहाँ से मैसीडोनिया से थे उन्होंने इंडिया के बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जीत लिया था पर अलेक्जेंडर जब वापस जा रहे थे बहुत कम एज में ही हो जाती है इनकी डेथ जब भी वापस जा रहे होते हैं सब कुछ जीत कर तो इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ हो जाती है तो ये चंद्रगुप्त को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो अपने इंडियन सब का जितना भी पार्ट अलेक्जेंडर ने जीता था उसको वापस ले लेते हैं किसकी हेल्प अब बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के पास होता है एक बहुत बड़ा एरिया और इतने बड़े एरिया को रूल करना कोई आसान काम नहीं होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प लेते हैं चाणक्य की हेल्प लेते हैं और पूरी तरीके से प्रयास करने लगते हैं पूरा ट्राई करते हैं कि कैसे कंसिलइडेशन हो उनका एम्पायर और ज़्यादा मजबूत हो तो चाणक्य की मदद से उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया ठीक है इनके पास अपना भी बहुत बड़ा एरिया था बाद में अलेक्जेंडर का जो एरिया था इंडिया वाला वो भी इन्होंने अपने हाथों में ले लिया तो इनके पास हो गया एरिया बहुत बड़ा और इस बड़े एरिया को कंसलाइडेट करने के लिए प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दी किसकी हेल्प से चाणक्य की हेल्प से, से। बेटा कंसलाइडेशन का मतलब होता अपनी पोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना मजबूत करना ठीक है फिर क्या होता है बेटा 305 जीरो में इंडिया पे फिर से अटैक होना चालू कर देते हैं और ये अटैक कौन कर रहे थे सेल्यूकस एक फॉर्मल जनरल थे ये अलेक्जेंडर के जब अलेक्जेंडर जिंदा थे तो उनके जनरल थे सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर और 305 जीरो में ये वापस से इंडिया के ऊपर अटैक करने लगते हैं चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ इस आर्मी एलिफेंट्स किसको भी हरा देते हैं सेल्यूकस को हरा देते हैं फिर एक ट्रीटी साइन होती है किस किस के बीच में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ठीक है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है काबुल कांदार हेरात और बलूचिस्तान किस से ग्रीक कमांडर से क्लियर होगी बात फिर से ध्यान से सुनो थ्री जीरो फाइव में इंडिया के ऊपर वापस से अटैक होते हैं और ये अटैक कौन कर रहे होते हैं सेल्युकस सेलुकस कौन होते हैं फॉरमर जनरल होते हैं किसके आ, हमारे आ, एलेक्जेंडर के फिर इन दोनों के बीच में जब ये हार जाते हैं सेल्युकस तो एक ट्रीटी साइन होती है सेल्युकस इस ट्रीटी में तैयार हो जाते हैं कि वो चंद्रगुप्त को काबुल कांधार हिरात बलोचिस्तान दे देंगे ठीक है सेल्युकस गेव हिज डॉटर हेलन इन मैरिज टू चंद्रगुप्त हाँ बेटा शादी होती है किस किस की चंद्रगुप्त की और हेलन की ठीक है बहुत सारी जगह पे मैंने इसका नाम हेलेना सुना है ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है किसके साथ हेलेना के साथ या हेलेन के साथ और हेलेन कौन होती है बेटा डॉटर होती है किसकी सेल्यूकस की आफ्टर दिस विक्ट्री इस जीत के बाद जो चंद्रगुप्त होते हैं वो पुष्यगुप्त को गवर्नर बना देते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के ठीक है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अब किसके हाथों में आ जाता है पुष्यगुप्त के हाथों में आ जाता है और उसे गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं खुद चंद्रगुप्त अब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बिठाया है पुष्यगुप्त को तो यहाँ की चिंता चंद्रगुप्त छोड़कर कर आप कहाँ की तरफ चलने लगते हैं साउथ की तरफ और वहाँ पर कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को कि भाई कितना बड़ा एम्पायर ये अपने लिए बिल्ड कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक बिल्ड कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर काबुल कांधार से लेकर के यहाँ पर बंगाल तक यहाँ मैसूर तक ठीक है ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के पास है मैसूर तक का एरिया भी चंद्रगुप्त के पास पास है स्वराष्ट्र भी किसके पास है चंद्रगुप्त मौर्य के पास है इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर देते हैं कौन चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल कंधार काबुल कंधार से लेकर के काबुल कंधार कहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट में टू मैसूर इन द साउथ साउथ में कहाँ तक पहुँचे मैसूर में ईस्ट में ये कहाँ तक पहुंचे बंगाल तक और वेस्ट में कहाँ तक हैं ये बेटा सौराष्ट्र तक ठीक है सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला जो एरिया होगा है ना गुजरात का एक पार्ट हम सौराष्ट्र कहते हैं इतने बड़े एम्पायर के एम्पर बनते हैं कौन बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है काबुल एंड कंधार कहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में मैसूर साउथ में बंगाल ईस्ट में और सौराष्ट्र वेस्ट में बेटा बाद में जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जन ट्रेडिशन के अनुसार ट्वेंटी फोर ईयर रूल करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड को त्याग दिया छोड़ दिया है ना हिरनाउंस द वर्ल्ड इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया वर्ल्ड को छोड़ दिया वर्ल्ड को त्याग दिया और किसको हैंडओवर हैंड ओवर किया अपने किंगडम को अपने बेटे बिंदुसार को क्या ये पैराग्राफ क्लियर है जेन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आफ्टर रूलिंग ट्वेंटी फोर ईयर्स चौबीस साल रूल करने के बाद इन्होंने रेनाउंस कर दिया वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को दुनिया को त्याग दिया छोड़ दिया और जो अपना पूरा बड़ा सा किंगडम था वो किसको दे दिया अपने बेटे बिंदुसार को तो अब हम किसको पढ़ेंगे बेटा बिंदुसार को बिंदुसार उत्तराधिकारी बने अपने पापा चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के कौन बनते हैं उत्तराधिकारी सक्सेसर ठीक है क्या ऐलान क्लियर है चले आगे एक ग्रीक हिस्टोरियन है बेटा जिनका नाम है एथनॉक्स क्या नाम है एथनॉक्स वो इन्हें कहते हैं स्लेयर्स ऑफ फोर्स स्लेयर्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है शत्रुओं का हत्यारा ठीक है बिंदु सर को क्या कहा गया कि जितने भी शत्रु इनके रास्ते में आए जिन्होंने इन्हें एक्सपांशन करने से रोका उन सब की हत्या इन्होंने की क्लियर है तो बिंदु सर अपने पिता चंद्रगुप्त मारे के उत्तराधिकारी बने सक्सेसर बने एक ग्रीक हिस्टोरियन हैं वो ऐसा कहते हैं कि जिनका नाम है कस, कि भाई ये है स्लेयर्स ऑफ फोर शत्रुओं के हथियारे, इन्होंने बहुत सारे पार्ट को साउथ इंडिया के जीता कनकर करने का मतलब होता जीतना किसको डिफीट करके सिक्सटीन रूलर्स को डिफीट किया बिंदुसार ने कितने रूलर्स को डिफीट किया बेटा सिक्सटीन रूलर्स को डिफीट किया और साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को जीत लिया जब इनका रूल चल रहा था तो इन्हें रिवोल्ट देखने को मिले कहाँ पर तक्षशिला में ठीक है बेटा तक्षशिला में विद्रोह हुए रिवोल्ट हुए किसके रीन में बिंदुसार के रीन में बट इट वॉज क्विल्ड बाय हि सन अशोक ठीक है इसका मतलब क्या हुआ बेटा अशोक जो इनके दूसरे बेटे थे उन्होंने इस अपराइजिंग को इस रिवोल्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया दबा दिया ठीक है रिवोल्ट विद्रोहियों को आ, मार पीट के अपनी अपनी जगह कर दिया मतलब इस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द रूलर्स ऑफ ग्रीस ग्रीस के जो भी रूलर थे उनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप थे किसके बिंदुसार के क्या बिंदुसार समझ में आ गया बेटा बिंदुसार्स बिंदु को क्या बिंदुसार को क्या कहा गया है स्लेयर ऑफ फोर्स ठीक है हत्यारों मतलब दुश्मनों का हत्यारा Uh, इन्होंने सिक्सटीन रूलर्स को हराया था कहाँ के साउथ इंडिया के और साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को कंकर किया था इनके टाइम में इन्होंने रिवोल्ट देखे कहाँ पर तक्षशिला में पर इन रिवोल्ट्स को पूरी तरह खत्म करने का काम दबाने का काम किसने किया इनके दूसरे बेटे अशोक ने ठीक है बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हूँ ग्रीस अब हम पढ़ेंगे बेटा अशोक को द ग्रेट अशोक को अशोक सक्सीड करते हैं इसको थ्रोन को थ्रोन के नए उत्तराधिकारी बनते हैं अशोक कब बनते हैं बेटा अपने पापा की डेथ के बाद बिंदुसार की जैसी डेथ होती है तो अवश्य बात है कि थ्रोन किसको मिले तो बेटा जैसे ही अशोक को सिंहासन मिला जैसे उन्हें थ्रोन मिला उन्होंने दो टाइटल भी ले लिए देव नाम प्रिय जिसका मतलब होता है द बिलव्ड ऑफ गॉड्स देवताओं का प्रिय और दूसरा लिया प्रियदर्शी जिसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल वन ये दो टाइटल अशोक ने थ्रोन असेंड करते ही ले लिए फिर से ध्यान से सुनो देव नाम प्रिय द बिलव्ड ऑफ द गॉड भगवान का पसंद आने वाला व्यक्ति देवताओं को प्रिय और दूसरा है प्रियदर्शी द ब्यूटीफुल वन पर बेटा कहीं कहीं प्रियदर्शी का मीनिंग हमें ये भी देखने को मिलता है द वन हु इज़ सींग एवरी वन विथ काइंडनेस कोऑपरेटिंग विथ एवरी वन ऐसा भी है ना जो दूसरों को दया की दृष्टि से देखे जो दूसरों के कल्याण में लगा रहे अब हम पढ़ेंगे कलिंग वॉर को अच्छा ये दोनों टाइटल की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना हो सकता है कभी पूछा जाए और दोनों का मीनिंग भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स देव प्रियना और प्रियदर्शी द ब्यूटिफुल वन बेटा अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीस मेगस्थनीस कौन थे ये हमने पार्ट वन में अच्छे से डिस्कस किया है मैगस्थनीज थे ग्रीक हिस्टोरियन ठीक है एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अब मेगस्थनीस क्या कहते हैं कलिंग के लिए हम वो पढ़ेंगे मेगस्थनीस के अनुसार जो कलिंग था उसके पास बहुत पावरफुल आर्मी थी जिसमें इन्फेंट्री भी थी जो पैदल चल के जो फटाफट फटाफट भाला और तलवार लेके जो सैनिक आगे चलते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फेंट्री कैवलरी बोलते हैं हम घुड़सवार जो घोड़े पे सवार सैनिक होते हैं वो होते हैं कैवलरी और एलिफेंट्स तो एलिफेंट भी थे कैवलरी भी थी इन्फेंट्री भी थी किसकी आर्मी में कलिंग की आर्मी में और एक बड़ी पावरफुल आर्मी थी इनके पास अशोक फेस्ड टफ रेजिस्टेंस जब अशोक कलिंग और लड़ने गए तो उनके लिए जीत इतनी आसान नहीं थी उनको बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस मिला आ, किस से कलिंग की आर्मी से मतलब अशोक के लिए जीत आसान नहीं थी अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट एक रॉक एडिक्ट जिसका नंबर है थर्टीन एक रॉक एडिक्ट है, जिसका नंबर है थर्टीन ये रहा टेन वन टू थ्री थर्टीन बोथ साइड सफर्ट लॉसेस बेटा ये जो रॉक एडिक्ट मिला है रॉक नंबर थर्टीन इस रॉक एडिक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उस में लिखा हुआ है कि दोनों ही साइड्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए पर कलिंग के जो लोग थे उनकी सफरिंग्स ज़्यादा थी ठीक है फिर से ध्यान से सुनो एक रॉक एडिक्ट है जिसका नंबर है थर्टीन उस रॉक एडिक्ट में ये कहा गया है कि देखो लॉसेस तो दोनों साइड को हुए पर ज्यादा लॉसेस किसको हुए कलिंग को हुए अशोक युद्ध तो जीत लेते हैं दो अशोक वन द वॉर अशोक युद्ध तो जीत लेते हैं इट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम एंड द एंपायर देखो हालांकि अशोक ने दो का मतलब होता है हालांकि हालांकि अशोक ने वॉर तो जीत लिया पर इसका एक दूरगामी इम्पैक्ट था उसके ऊपर भी और उसकी एम्पायर के ऊपर भी ठीक है फार रीचिंग मतलब बहुत दूर तक जाने वाला दूरगामी और कॉन्सिक्वेंसिस का मतलब होता है परिणाम ठीक है और इतना दूरगामी ये परिणाम होगा बेटा कि अशोक यहाँ पर हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि भाई अब मैं कोई वॉर नहीं करूँगा ठीक है अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ कलिंग वॉर कलिंग वॉर के परिणाम को अब हम पढ़ेंगे कलिंग वॉर का प्रोफाउंड इफेक्ट था अशोक की पर्सनैलिटी पे भी अशोक की पॉलिसीज़ पे भी एक बार जब कलिंग वॉर जीत जाते हैं अशोक तो उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं भाई अब मैं फ्यूचर में कोई वॉर नहीं करूँगा तो प्रोफाउंड इम्पैक्ट था अशोक की पॉलिसीज़ पे अशोक की पर्सनैलिटी पे किसका किसका बेटा कलिंग वॉर का ठीक है ये जो वर्ड प्रोफाउंड है इसका मीनिंग क्या होता है गहरा ठीक है एक बहुत ही गहरा प्रभाव था अशोक की पर्सनैलिटी पे अशोक की पॉलिसीज पे किसका कलिंग वॉर का ठीक है जो डेथ और डिस्ट्रक्शन कलिंग वॉर में हुए उसने अशोक के मन को अशोक की राजनीतिक जीवन को अशोक के पर्सनैलिटी को बहुत हद तक चेंज करके रख दिया उसने पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट मतलब कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स फोर्स से किसी को जीतने की जो पॉलिसी थी उसे अबेंडन कर दिया छोड़ दिया पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा कि उसने अबेंडन किया किसको उसको कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स एक पॉलिसी थी उसकी कि दम के बदले ताकत के बदले जीत लो वो उसने अब छोड़ दी जिसे बोलते हैं भेरी घोष फिर अब उसका एम्बिशन था विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन दिग्विजय ठीक है एंड एम्ब्रेस द पॉलिसी ऑफ रिलीजन धम्म घोष को उसने अपनी पॉलिसी बना लिया भ्रेघोष को भेरीघोष को छोड़ दिया दिग्विजय की बात की कि भैया वो जीतेगा सारी डायरेक्शन में पर किसके थ्रू घोष के थ्रू पॉलिसी ऑफ रिलीजन के थ्रू अशोक की पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट आया कलिंग वॉर का उसने हंटिंग छोड़ दी जानवरों को मारना छोड़ दिया मीट खाना छोड़ दिया लग्जीरियस लाइफ को भी अबैंडन कर दिया कि नो मोर लग्जरी इन माई लाइफ नो मीट नो हंटिंग अशोक सच में बदल गया था जो प्रिजनर्स ऑफ तो वॉर थे उन्हें एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज़ किया गया इससे क्या हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई पूरे साम्राज्य में देखो जितने भी प्रेजेंट्स ऑफ वॉर थे कलिंग वॉर जब जीता अशोक ने तो जितने भी आ, लोगों को उसने वहाँ से बंदी बनाया उससे एग्रीकल्चर वर्कर बना दिया अब एग्रीकल्चर वर्कर इतने ज़्यादा हो गए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो इकॉनमी प्रॉस्पर करने लग गई साम्राज्य रहीस होने लग गया रिच बन गया और तो और बेटा अब तक जो अशोक लड़ने के लिए रेडी था अब वो खुद बुद्धिज़म को के उपदेश दे रहा है लोगों को खुद टूर पे जा रहा है लोगों को बढ़ बता रहा है बुद्धिज़म के रिगार्ड्स में ठीक है इसने बहुत सारी मिशनरीज़ भेजी इंडिया इन, इन, के भी बहुत सारे पार्ट में और वर्ल्ड के भी बहुत सारे पार्ट में पहले इंडिया में भी बुद्धिज़म को फैलाने की कोशिश की और फिर पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश की सो ही ऑल्सो सेंड मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन्होंने अपनी बेटी संगमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को भेजा श्रीलंका टू तो प्रोपेगेट बुद्धिज़्म बुद्धिज़म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी संगमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया कि जाओ बेटा वहाँ पर बुद्धिज़म को स्प्रेड करो अशोक कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लेते हैं और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपनी स्टेट पॉलिसी में जैसे स्टेट में कोई वॉयलेंस नहीं होगा नॉन वॉयलेंस की पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेते हैं डिसअ्रूवल ऑफ़ एम्प्टी रिचुअल्स बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स ऐसे रीति रिवाज़ हम लोग देखते हैं सोसाइटी में हैं जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसे रिचुअल्स को उन्होंने बंद करवा दिया ठीक है नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाया अपने राज्य में इन्होंने बहुत सारे पिलर्स को एरेक्ट करवाया बहुत सारे पिलर्स लगवाए उनके ऊपर बहुत सारे एडिक्स लिखवाए ठीक है जो किसकी बातें करते थे बुद्धिज़म की टीचिंग की बातें करते थे इन्होंने ऑर्डर दिया कि आप लोग स्तूप क्रिएट करें ठीक है जिसमें बुद्ध के रेलिक्स को बुद्ध के अवशेषों को रखा जाए और कितने स्तूप इन्होंने बनवाए एट, अप्रॉक्सीमेटली एटी फोर थाउजेंड तो पहले तो बहुत सारे पिलर्स लगवाए उसमें बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को लिखवाया फिर ऑर्डर दिया अपने लोगों को कि लगभग एटी फोर थाउजेंड स्टूब्स आपको बनाने हैं जिनमें क्या रखे जाएंगे बुद्ध के अवशेष रखे जाएंगे इन्होंने बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दिए किसको को बुद्धिस्ट वीहार्स को जहाँ पर बुद्धिस्ट मांस बुद्धिस्ट नान्स रहती थी वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डोनेशंस दिए सो दैट दे कैन लीव अ प्रॉपर लाइफ ठीक है फूड की कमी उन्हें ना हो कोई और प्रॉब्लम ना हो सी वुड इन साइम एनिंग दिस वीडियो नहीं 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 अभी नहीं लास्ट पॉइंट बच्चा इसको पढ़ लेते फिर मैं ख़त्म करूँगी इस वीडियो को ऑन अकाउंट ऑफ एबडनमेंट ऑफ वॉर देयर वॉज अ डिक्लाइन इन मिलिट्री प्रिपेयरनेस एंड एफिशियंसी देखो अब हमने अबेंडन कर तो दिया है वॉर को कि भैया अब हम कोई वॉर लड़ेंगे ठीक है युद्ध को तो हमने कम्प्लीटली अबेंड कर दिया त्याग दिया है तो मिलिट्री प्रिपेयरनेस में भी डिक्लाइन आ गया उनकी एफिशिएंसी में भी डिक्लाइन आ गया ठीक है युद्ध लड़ते रहोगे तो आप ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे युद्ध बंद ही हो गए तो मिलिट्री कैसे प्रिपेयर होगी पॉसिबल ही नहीं है सो यूड इन डायमेंड दिस यू टू हेयर ओनली इफ एव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कॉमन सेक्शन वन मोर थिंग कि अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन विल स्टार्ट पार्ट थ्री विथ एक्सटेंट ऑफ अशोक एम्पायर